पुतिन की मिसाइल रेजिमेंट पिछले 24 घंटे से बहुत ज्यादा बिजी है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने कुछ नई मिसाइलों को फायर करने का ऑर्डर दिया है। ये बात जब से जेलेंस्की और बाइडेन को पता चली है, उनका सीधा शक पुतिन और ईरान की मिसाइल वाली दोस्ती पर गया है। अमेरिका भी ये मानने लगा है कि खामनेई ने पुतिन को लाल खंजर भेजा है, जिससे जेलेंस्की का युद्ध हारना तय माना जा रहा है। ये मिसाइल अगर पुतिन को मिल जाए तो क्या जेलेंस्की की रातों की नींद उड़ जाएगी? ये मिसाइल पुतिन को मिल जाएगी तो यूक्रेन पर कितनी बड़ी तबाही बरसेगी? ये मिसाइल पुतिन को मिल जाएगी या मिल चुकी है, ये इस वक्त नेटो के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान ने अपनी फतेह और फतह 307 मिसाइल रूस को सप्लाई कर दी है। बहुत जल्दी इन मिसाइलों से यूक्रेन को दहलाने की तैयारी हो रही है। यह है ईरान की फतेह 110 मिसाइल। अमेरिका इसकी दहशत जानता है, इजराइल इसका खौफ समझता है और अब इसी मिसाइल के जरिए पुतिन यूक्रेन को डराना चाहते हैं। जब ईरान की यह मिसाइल फायर की जाती है तो तस्वीरें ऐसी होती हैं। जब ईरान की यह मिसाइल अपने टारगेट पर गिरती है तो धमाका ऐसा होता है। अब यही मिसाइल रूस पहुंचने का मतलब है कि जेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगर सितंबर में इस बात का दावा किया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल रूस के पास पहुंच चुकी है तो समझ लीजिए कि बहुत जल्दी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने जब से रूस के कुर्स्क इलाके के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, पुतिन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसीलिए पुतिन के टारगेट पर इस वक्त यूक्रेन के 7 बड़े शहर हैं: कैपिटल कीव, खार्किव, सुमय, पोल्तावा, पोक्रास्क, ओदेसा और खेरसोन। इन शहरों को बचाने का मतलब है कि जेलेंस्की को अमेरिका की मदद चाहिए। वहीं बड़े बड़े दावे करने वाले बाइडेन और उनके स्टाफ ने यह बताया है कि ऐसी कितनी मिसाइलें पुतिन को ट्रांसफर की गई हैं, लेकिन CIA के बॉस का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, बहुत गौर से उनकी बात को समझिएगा। It is nonetheless troubling. I mean, we see the way in which, you know, China and Russia, Russia, Iran, Russia, North Korea are working together. There are two-way streets, the defense partnerships. It imposes a real danger on innocent Ukrainian civilians, but it also poses danger because it's a two-way street to friends and partners in the Middle East too, in the case of Russia and Iran. इससे पहले फतेह 110 को टेस्ट होते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। अब इसकी असली हमले वाली लॉन्चिंग भी दुनिया जल्दी देखेगी। यही जेलेंस्की का सबसे बड़ा डर है। फतेह 100 मिसाइल 300 किलोमीटर के रेंज तक हमला कर सकती है। ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। 3500 किलो भारी इस मिसाइल में 500 किलो का वॉरहेड लगाया जाता है। ईरान की ये मिसाइल 2002 में तैयार की गई थी और तब से इसके कई वर्जन बनाए जा चुके हैं। इसका आधुनिक और लंबी रेंज वाला वर्जन फतेह 313 है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। व्हाइट हाउस और पेंटागन पिछले 8 महीनों से रूस और ईरान की सीक्रेट डील पर नजर रख रहा था और अब उसे पता चला है कि ईरान से तो मिसाइल ट्रांसफर भी कर दी गई है और अब बहुत जल्दी उन्हें फायरिंग मोड में तैनात करने की तैयारी है। जनवरी 2024 में ही अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को यह पता चल गया था कि ईरान और रूस में मिसाइल को लेकर सीक्रेट डील होने वाली है। सितंबर 2023 को रूस के तत्कालीन रक्षा मंत्री सर्गेई शोगु ने ईरान का दौरा किया था।
यह दौरा बहुत सीक्रेट रखा गया। हालांकि जो तस्वीर सामने आई उसमें यह साफ हो गया कि सर्गेई शोइगू ईरान की मिसाइल देखने तेहरान गए थे। ईरान ने उनके सामने अपने एक एक हथियार की डिटेल रखी, इसमें ड्रोन भी थे और बैलिस्टिक मिसाइल भी, ठीक वैसे ही हथियार जो रूस को यूक्रेन में लड़ने के लिए चाहिए। ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादे साथ साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या लेना चाहिए, किस हथियार से उनकी जरूरत पूरी हो सकती है। इसमें सबसे खास रही फतेह 110 मिसाइल। सर्गेई शोइगू इस मिसाइल को बहुत गौर से देखे हैं, उन्हें बताया गया कि कितनी खतरनाक और सटीक मिसाइल है और ऐसे ही हथियार से रूस ज़ेलेंस्की के बड़े बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला सकता है। सर्गेई शोइगू इस मिसाइल को देखकर काफी खुश हुए। We are deeply concerned by reports that Iran is planning to deliver hundreds of ballistic missiles to Russia, and we continue to communicate with our European partners and allies regarding potential measures we may take. We've been warning of the deepening security partnership between Russia and Iran since the onset of Russia's full-scale invasion of Ukraine. This partnership threatens European security and illustrates how Iran's destabilizing influence reaches beyond the Middle East and around the world. सितंबर 2023 में पुतिन की टीम ने ईरान की मिसाइल का जायजा लिया और सितंबर 2024 में ये मिसाइल रूस के पास जा चुकी है। यह दावा अमेरिका की तरफ से ही किया जा रहा है। एक साल के अंदर ही पुतिन ने इस युद्ध को नई मिसाइल से पलटने की पूरी तैयारी कर ली है और यह सब अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों को चकमा देते हुए किया गया है। ये दोनों देशों के खुफिया एजेंसियों के प्रमुख ऐसे वक्त में एक साथ दिखे गए हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर व्हाइट हाउस में मिलने वाले हैं। जाहिर है दोनों की मीटिंग में सबसे बड़ा एजेंडा यूक्रेन ही रहने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन की वॉर फैक्ट्री को भी मदद मिल रही है, जैसे ज़ेलेंस्की के युद्ध की बैटरी नेटो चार्ज कर रहा है, ठीक वैसे ही पुतिन के युद्ध को उत्तर कोरिया, ईरान और चीन से ऑक्सीजन मिल रही है। ये बात नेटो भी बहुत अच्छी तरह जानता है। The war demonstrates that our security is not regional, it is global. Iran and North Korea are providing drones, ammunition and more. And China has become a decisive enabler of Russia's war against Ukraine. Through its non-limits partnership and support for Russia's defense industrial base. ईरान के फतेह 110 वाकई बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। इस मिसाइल का नए वर्जन फतेह 313 इससे पहले अपना प्रैक्टिकल दिखा चुकी है। इसी मिसाइल से ईरान ने इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया था। यह वही मिसाइल है जिसे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। फतेह 313 की रेंज फतेह 110 से ज्यादा है। यही वजह है कि ईरान ने इराक में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर यह मिसाइल दागी थी। इस मिसाइल के धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी। इसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक मीडिया इसी मिसाइल की बात कर रहा है। इसराइल में यही मिसाइल चर्चा में है कि पुतिन और ईरान के फतेह 110 वाली डील हो चुकी है और सप्लाई को लेकर अब दहशत चौगुना बढ़ चुकी है। यूक्रेन और इसराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि रूस को फतेह 110 के साथ जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल भी मिल सकती है। इन दोनों की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। जब से ये बात ईरान के दुश्मनों को पता चली है वो घबराए हुए हैं। जब से ये बात ज़ेलेंस्की को पता चली है वो बहुत दहशत में हैं। अब उनकी एक ही डिमांड है कि किसी भी तरह यूक्रेन की फौज को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जाए जो ईरान से मिलने वाले ड्रोन और मिसाइल को काउंटर कर सके।
इटली में ज़ेलेंस्की ने एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें लॉन्ग रेंज वाले हथियारों की कितनी जरूरत है ताकि वो हमला सिर्फ कुर्स तक नहीं बल्कि मॉस्को तक कर पाए। अब युद्ध में यही उनका एजेंडा है। When we speak that, for example, Italia or somebody else, doesn't matter, are afraid that we will attack Kremlin, it's a pity we can't. Because those long distance weapons, what you had or some partners, it's about 200 kilometers. So it's less than those distance what about Tajani spoke. So, but your production have to try to do their best. But you have to understand, it's a joke, yes, but it's very serious, really serious. ज़ेलेंस्की को यह पता चल गया है कि पते 110 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है और इसमें अमेरिका भी पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। इससे पहले ईरान के शाहिद 136 ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। यह वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है जो यूक्रेन की पोजिशन पर अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दे दी है। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। ईरान के हथियार मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है जबकि ज़ेलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खतरा समझ में आ गया है क्योंकि अब ड्रोन के साथ रूस के पास ईरान की मिसाइल भी आने वाली है। पुतिन और ईरान की दोस्ती सितंबर के महीने में अमेरिका और नेटो को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा सकती है, इस बात की 100% गारंटी नजर आ रही है। ईरान से निकली नई आग अभी यूक्रेन में नए शोले भड़काने वाली है और पुतिन इसके लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं।